इस नमकीन को बनाने में मुझसे कहाँ गलती हो गई है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें सोचते कुछ है और करते कुछ और है। तो यहाँ मेरा बेटा मार्केट जाने के लिए मेरे साथ रेडी है, क्योंकि मार्केट के लिए इसलिए मैं जा रही हूँ कि घर का कुछ राशन का सामान भी लाना था और कुछ सब्जी भी लानी थी, तो इसीलिए मैं अपने बेटे को साथ में ले गई। वो थोड़ा सब मेरे हेल्प भी वो भी कर देता है। तो मेरे हस्बैंड थे नहीं, उनको छुट्टी था नहीं, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। इधर शाम का वक्त था तो उसके लिए मैं दूध लेके आई, क्योंकि चाय मुझे बनानी थी। तो इधर चाय के लिए सबसे पहले तो मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे मुझे चाय बनानी थी, तो मैंने सोचा कि चाय के साथ कुछ नमकीन भी बना लेती हूँ कि जो फटाफट से बन जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, और उसके बाद सबसे पहले तो मैं मैदे को अच्छे से छान लूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे सिंपल रेसिपी ब्लॉग में। और मेरा ये सिंपल रेसिपी ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पे सोच ही रही थी कि सिंपल सा ही कुछ बनाए, लेकिन फिर एक नई रेसिपी देखी थी, मतलब नई नहीं है, मतलब कि देखी थी, तो सोचा कि क्यों ना वही ट्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस उसी को बनाने के लिए यहाँ मैदे में सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया, फिर मतलब कि मंगरेला डाला, उसके बाद यहाँ मोइन के लिए 2 से 3 चम्मच तेल डाल ली हूँ, और यहाँ पे मतलब कि सूखे मैदे में तेल डाल के इसे घी की तरह ही मतलब कि एक क्रीम जैसा पेस्ट ही बना लेती हूँ। तो इसे बनाने के बाद उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, देखिए कैसा मैंने पेस्ट बनाया है। तो उसके बाद यहाँ पे इस मोइन जो मैंने डाला था, तो उसे अच्छे से मिला के देख लेती हूँ कि मोइन अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही मतलब कि हो गया है, मोइन में ज़्यादा ही डाल दे रही हूँ। लेकिन फिर भी सोची कि चलो क्यों नहीं, मतलब कि अब ट्राई कर रही हूँ, तो अब गलत सही जो होना है तो वो फिर देखेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक हम लोग ट्राई नहीं करते हैं तब तक कुछ समझ में आता नहीं है। तो वैसे तो नमकीन तो मैंने काफ़ी टाइम मतलब कि बनाया हुआ है, वो बनाती ही रहती हूँ, लेकिन ये वाली मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से मैंने टाइट डो मतलब कि कर ली हूँ, और यहाँ पे फिर से 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दी थी, और उसके बाद फिर से इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ही मैं अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। कम से कम 5 लोई हुई थी, तो 5ों को मैं इक्वल से एकदम डिवाइड कर लूँगी, और उसके बाद इन सारी लोई का मैं रोटी जैसी बना लूँगी। और मैंने मैदा का ये जो डो है वो बहुत ही टाइट गूंथा था, इसीलिए राउंड शेप, ये पूरी तरह से राउंड शेप में मुझसे नहीं हो रहा था, मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टाइट डो अच्छे से पूरी राउंड शेप नहीं हो पाता है। और उसके बाद देखिए किस तरह से मैं एक के बाद एक लेयर इस तरह से जो बनाई थी, क्रीम जैसा घी जैसा दिख रहा था, तो उसे मैं अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर लेती हूँ, मतलब अच्छे से उस रोटी पे लगा लूँगी, और एक के बाद एक 5ों रोटी का लेयर बाय लेयर मैं इस तरह से बना के लगा के उसके बाद इसे अच्छे से बेल लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मुझसे कुछ गलती हुई कि और कहीं मैंने गलती कर दी, अब मुझे नहीं पता, लेकिन बस इसी तरह फिर मैंने मतलब कि अच्छे से उसे बेल के और यहाँ पे इक्वल मतलब कि एक बराबर शेप में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ शेप, लेकिन उसी में मैं काट लेती हूँ। और देखिए इस तरह से मेरा ये बन के तैयार हुआ। मैंने एक मतलब कि पहले सबसे पहले एक ट्राई करके देखा, तो फर्स्ट में ही वो मेरी जो परत थी वो अलग हो गई। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मतलब कि फिर दूसरा बैच एक बैच डाल के देखती हूँ। तो यहाँ पे मुझसे ये गलती हो गई, मुझे जैसे लग रहा है कि मैंने फास्ट मतलब कि गैस पे ही फास्ट लो गैस पे ही मैंने इसे फ्राई कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत जल्दी फ्राई हो गई। सेकेंड वाले में मैंने इसे थोड़ा सा कम करके ही फ्राई की हूँ, तो ये ठीक ठाक हुआ था। तो अब क्या होता है कि जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा मतलब कि कभी अगर परफेक्ट एक ही बार में बन जाता है तो कभी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो इधर जो बचा हुआ था तो वो मैंने सारा कढ़ाई में डाल दी हूँ उसको फ्राई होने के लिए। तो इधर मैंने जो दूध लाई थी तो सोचा कि दही जमा लेती हूँ, मेरे बेटे को दही बहुत पसंद है तो वो हमेशा अक्सर खाते रहता है, तो इसीलिए जो चाय बनाई थी उसके बाद जो भी दूध बचा तो मैं इसे अच्छे से दही बनाने के लिए रख दी हूँ।
और इसी तरह से गर्म का मतलब कि रहे उसके लिए अच्छे से कपड़े में लपेट के इसे मैं गर्म जगह पर रख देती हूँ। और कल सुबह होते होते मेरा दही रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला मैंने फ्राई किया था वो कुछ ठीक ठाक हुआ, लेकिन जैसी परत खुलनी चाहिए थी, बननी चाहिए थी, मुझे लग रहा है कि वैसी बनी नहीं है। नमकीन तो जो मुझे बनाना था सो तो बना, लेकिन जो मैं फरा मतलब कि मैदे की जो फरा होती है वो ट्राई करने की जो परत बनती है, लेयर जो बनता है वो अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी खुल गई है तो कोई खुली ही नहीं है इस तरह से। और आवाज़ सुनिएगा तो मतलब कि जैसा नमकीन होना चाहिए वैसा हुआ। तो आपको कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग, और गलती हुआ तो उसके लिए ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।